So what's up everybody and welcome to a new vlog of my channel. My name is Saurabh and I hope you guys are doing absolutely fine. तो अभी का time हो रहा है, it's 8:30 and ये मैं vlog शुरू कर रहा हूँ without any aim. Actually मुझे कल पापा का call आया रात को, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक सामान भेजा है बॉम्बे. मैं इस समय बॉम्बे में हूँ, आई मीन मुंबई राइट नाउ. तो उन्होंने बोला कि एक सामान भेजा है अपने फ्रेंड के हाथों, तो वो बैंड्रा टर्मिनस से जाके पिकअप करना है. एंड एक्चुअली वो ये भी बोल रहे हैं, मतलब सामान लेगा तो उसका पूरा एक वीडियो बनाइयो एंड देन उसको अनबॉक्स करियो. तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर है क्या. हो सकता है कोई कैमरा इक्विपमेंट हो या कुछ हो, मतलब आई डोंट नो. तो देखते हैं उसके अंदर फिर क्या होगा एंड उसको भी लेके आते हैं और करेंगे फिर वापसी आके अनबॉक्स. That will be coming on platform number 1 and वो पहुँच चुकी है. मेरे को उसका फोन आ गया कि मैं पहुँच चुका हूँ, तो we are just going there अभी. Finally we have it now. एंड अभी इसको घर जाके वील अनबॉक्स इट. सो फाइनली हम अपने सोसाइटी में आ चुके हैं और ये बॉक्स हमारे साथ में है. एंड मुझे पता नहीं है इसके अंदर है क्या, बट मॉम डैड कह रहे थे कि भाई तू इसका पूरा एक व्लॉग बनाइयो, तू इसका पूरा एक शूट करियो और अनबॉक्सिंग करियो. तो आई एम नॉट श्योर इसके अंदर क्या है. मे बी कोई शायद कैमरा इक्विपमेंट या कुछ हो सकता है, क्योंकि नहीं तो वैसे अनबॉक्सिंग के लिए मुझे बोलते नहीं. तो उन्होंने मुझे स्पेशली ये भेजा है दिल्ली से एक फ्रेंड के हाथों. तो ही वॉज कमिंग टू मुंबई ओनली, तो उसके हाथों कुछ भिजवा दिया. उन्होंने बोला कि कलेक्ट कर लेना, बस अब वही कर रहे हैं, देखते हैं क्या है. तो फाइनली वी आर बैक होम एंड ये रहा हमारा वो पैकेज. जब मैं उठा के लाया था तो इतना कुछ हैवी नहीं लगा, मतलब काफ़ी बिल्कुल भी हैवी नहीं था, बिल्कुल ही हल्का सा डब्बा है. तो इसको खोलेंगे थोड़ी देर के अंदर एंड देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या. अगर गेस करूं तो मेरे दिमाग में तो ये आ रहा कि आई वॉज थिंकिंग टू बाय अ कैमरा. तो हो सकता है कोई कुछ कैमरा हो या कोई कैमरा का इक्विपमेंट हो, मतलब पता नहीं, मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा है. देखते हैं जब इसको खोलेंगे तब पता चलेगा कि इसके अंदर है क्या 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 चीज़ें हैं. तो अभी थोड़ी देर में खोलते हैं, पहले भी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, तैयार वगैरह होंगे, फिर इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग. तो अब वो टाइम आ चुका है जब हम ये जो मिस्ट्री बॉक्स है इसको खोलेंगे. माय गेस इज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने बोला है पापा ने कि व्लॉग बनाना है इसका ये सब और इसमें कुछ सामान है, तो आई गेस इसके अंदर कैमरा हो सकता है. वो एक मेरा वाइल्ड गेस है, बाकी देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा. सो अभी इसको करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं इसमें क्या है. कुछ तो है, बड़ी समझ से नहीं आ रहा.
कहाँ है कैंची यार, कैंची से बात करें। तो जो मैंने गेस किया था ये कैमरा नहीं है बट कैमरे जैसा ही। अबे भाई तो ये जो गिफ्ट किया है आपने, दिस गाइस ये है। तो ये आया है हमारे पास भाई, ये तो अनएक्सपेक्टेड एकदम, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये पापा गिफ्ट करेंगे। सो मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रहा था कि एक ड्रोन भी लेना, तो दिस इज़ DJI Mini 3 Pro। ये लेटेस्ट ड्रोन है और ये भाई गिफ्ट कर दिया पापा ने। बात रहे अभी मेरे पास फ़ोन होता है, एक्चुअली मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं तो अगर मेरे पास फ़ोन होता तो मैं अभी फ़ोन करके कॉल करके बताया था, मतलब बात करता हूँ उनसे, बट कैमरे से ज़्यादा बड़ी चीज़ दे दी यार। तो आज आपके बार जो अब जो हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे उसमें एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, एक एरियल व्यू देखने को मिलेगा जगह का। तो उसके लिए दिस इज़ द न्यू प्रोडक्ट जो हमारे पास आया है। मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि ऐसा थोड़ा सा महंगा है तो कैसे क्या कर दिया इन्होंने। एक डब्बा और है, इसको भी एक बार खोल के देखते हैं कि अब इसके अंदर क्या है। अरे बाप रे, मैं वही सोचूं, पापा कह रहे थे कि भाई वीडियो बनाइयो उसका पूरा, जब ट्रेन से लेने जाएगा सब कुछ करने जाएगा तो उसका पूरा वीडियो बना के आइयो। तो मेरे दिमाग में तो यह था कि लास्ट हमने जब बात कर दी, मैं सोचता था कि यार कैमरा लेता हूँ ड्रोन के लिए, तो ड्रोन थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाता है, तो कैमरा ले लूँगा तो और अच्छी क्वालिटी हो जाएगी बेसिकली, तो मैं तो ये सोच रहा था, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। तो जो दूसरा डब्बा है, दिस इज़ द DJI Mini 3 Pro Fly More Kit Plus। तो इसके अंदर बेसिकली एक्स्ट्रा बैटरी और एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और जो एक बैग आता है उसके अंदर ये सब होता है। तो बेसिकली यार ये तो काफ़ी महंगा सौदा होता है ना, वो कर दिया पापा ने। मैं सोच रहा था कि DJI Mini 3 Pro, मतलब मैं वैसे दो ड्रोन में कंफ्यूज था पहले कि Air 2S लिया जाए या Mini 3 Pro लिया जाए, क्योंकि Mini 3 Pro भी लेटेस्ट आया है और ये इट इज़ अंडर 249 ग्राम्स का ये ड्रोन है, तो इसमें ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है चलाने की। तो मैं सोच रहा था कि DJI Mini 3 Pro मैं आगे जाके ले लूँगा, तो अभी कैमरा पे इन्वेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सस्ता होगा, तो कैमरा ले लेंगे और ड्रोन बाद में ले लेंगे। बट मैं अभी मुंबई में हूँ और ये पापा ने मुझे दिल्ली से भेजा है। अब जो व्लॉग्स आएंगे उसके अंदर हम अपना DJI Mini 3 Pro यूज़ करेंगे और फ्लाई मोर किट हमारे पास आ ही गई है साथ में। अरे थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। अभी वीडियो बंद करके मैं सबसे पहले पापा को कॉल करके ज़रा बोलूँ कि भाई कैसे कर दिया ये, क्या कर दिया आपने। पर एनीवेज मैं वीडियो से ही पहले तो थैंक यू बोलता हूँ अपने मॉम डैड को जिन्होंने ये गिफ्ट कर दिया है मेरे को। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, मैं और बोलने वाला कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं इससे पहले तो भी मेरे को कॉल करके घर वालों से बात करनी है, उनको मैं उनसे बात करके पूछा जाए कि भाई ठीक है क्या कर दिया ये, क्योंकि मैं सोचता मैं खुद ले लूँगा अभी आगे जाके, बट उन्होंने गिफ्ट कर दिया।
सो एनीवेज इसकी जो अनबॉक्सिंग होगी और इसके जो जितना भी रिव्यू होगा वो मैं एक दो बार ट्राई करके और पूरा इसका समझ के वो दैट आई विल गिव ऑन द अदर चैनल दैट विल बी सफर फेरा यूट्यूब चैनल, उसी के लिए ही ड्रोन आया है बेसिकली, तो भी उसका जो प्रोडक्ट रिव्यू है इसका वो आई विल गिव ऑन दैट चैनल। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, एंड ऑल्सो इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो do like, share and subscribe and don't forget to hit the bell icon if you are new to this channel. So I'll see you guys in the next vlog and bye bye and aap jaanto.